A particle is moving along x-axis. Its position is given by x equals minus 2t plus 3t square. Draw its vt graph and at graph. ओके तो पहले अपने पास x जो दे रखा है माइनस टू टी प्लस थ्री टी स्क्वायर, पहले वेलोसिटी निकाल देते हैं टाइम के टर्म्स में, फिर एक्सेलरेशन भी निकाल देते हैं. वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकाल के फिर उसको क्या कर देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं. ठीक है, तो एक्सेलरेशन सॉरी वेलोसिटी जो होगी वो हो जाएगी कितना, इसका डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफ्रेंशिएशन डी एक्स बाई डी टी होता है. इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस टू प्लस 60. ठीक है, और एक्सेलरेशन की बात करें तो इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आया, और इसको डिफरेंशिएट एक बार और कर दोगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन आ जाएगी. ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, पहले का जीरो हो जाएगा माइनस टू का, और 60 का डिफरेंशिएशन 6 होगा. अच्छा, नेक्स्ट जो है अब इसमें अपन ग्राफ ड्रॉ करने की बात करें तो वी टी कर्व ड्रॉ करें तो वी टी कर्व जो है VT कर्व हम लोग देखें यहाँ पे पहले, तो ये जो है इसको अपन कंपेयर कर सकते हैं C प्लस एम एक्स, कर सकते हैं Y इक्वल टू एम एक्स प्लस C. स्लोप कितना है, प्लस 6 है. इंटरसेप्ट माइनस 2 है. Y इंटरसेप्ट कितना है, माइनस 2. Y इंटरसेप्ट क्या होता है, ये अपन बात कर रहे हैं VT कर्व की. ठीक है, Y इंटरसेप्ट क्या होता है, जहाँ पे ये पार्टिकल जो यहाँ नीचे कट करता है. ठीक है, तो ये तो हो गया माइनस 2. अब यहाँ से स्लोप कितना है, 6 बना, प्लस 6 है. इसका स्लोप कितना होगा, प्लस 6, राइट. इसका स्लोप कितना होगा, प्लस 6 हो जाएगा. तो स्लोप प्लस 6 है, तो पॉजिटिव स्लोप कैसे ड्रॉ होता है, इधर जीरो स्लोप होता है, इधर पॉजिटिव स्लोप होता है, नीचे की तरफ नेगेटिव स्लोप होता है, राइट. तो हम लोगों को क्या, पॉजिटिव इधर जीरो स्लोप, इधर नेगेटिव स्लोप. ठीक है, तो कौन सा बनाना है, पॉजिटिव स्लोप वाला बनाना है. तो अपन कौन किधर बनाएंगे, यहाँ से लाइन ऐसे बनाएंगे, राइट. तो ये इस तरह से जो है आगे तक चलता जाएगा. ठीक है, पीछे नहीं बनाएंगे. पीछे क्यों नहीं बनाएंगे बताओ, पीछे इसलिए नहीं बनाएंगे कि यहाँ टाइम की वैल्यू क्या है, टाइम की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, और टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता है. ठीक है, तो जब भी ग्राफ ड्रॉ करें हम लोग ये ध्यान रखें कि ग्राफ केवल किधर बनाना है, पॉजिटिव टाइम में बनाना है. ठीक है, इसके आगे आगे इस तरफ. ठीक, तो ये अपना ग्राफ हो गया किसका, वी टी. अब ये कहीं तक बना सकते हैं, चाहो तो यहाँ से यहाँ तक बनाओ, चाहो यहाँ से यहाँ तक बनाओ, और भी आगे एक्सटेंड कर सकते हैं. ओके, ये टाइम भी बता सकते हैं कि इसके टाइम पे, ये टाइम कौन सा टाइम है, ये वो टाइम है जहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो रही है. वेलोसिटी जीरो कितनी कब होगी ये चेक कर सकते हैं यहाँ पे, वेलोसिटी जीरो कब हो रही है, टाइम किस कितना रखें यहाँ पे. वेलोसिटी को जीरो करोगे तो ये हो जाएगा 1/3. ठीक है, तो यहाँ पे कितना सेकेंड है, 1/3 सेकेंड्स है. ठीक है, तो ये वी टी कर्व हो गया इस तरह से. ठीक है, नेक्स्ट बात करें अपन ए टी. ए टी कर्व जो है स्ट्रेट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड. इसकी ए टी कर्व की बात कर लें तो ए टी कर्व में तो एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है. एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ग्राफ कैसा बनेगा, जब एक्सेलरेशन ही कांस्टेंट है तो ग्राफ कैसा बनेगा, 6 है तो एक्सेलरेशन 6 ही हो गई, राइट. ये एक्सेलरेशन और ये टाइम. ठीक है, तो कितनी है एक्सेलरेशन, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो इस पूरे ग्राफ में 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो गई. तो इस वीडियो में अपन जो है पहले एक ग्राफ ऑफ पैराबोला देख लेते हैं. ठीक है, तो पैराबोला का ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है, तो अब हम लोग जो देखेंगे वो बेसिक पैराबोलिक ग्राफ जो है किस तरह से ड्रॉ होता है. चार तरह के ग्राफ होते हैं इसमें. एक तो ये है वाई स्क्वायर इक्वल टू के एक्स हो, या फिर एक हो सकता है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के एक्स हो. ठीक है, तो पहले इन दोनों को देख लेते हैं. तो यहाँ पे जो इसका इनका जो ग्राफ होगा कुछ देखें तो कुछ इस टाइप से हो जाएगा. ओके, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर वाई स्क्वायर इक्वल टू के एक्स. तो सबसे पहले तो ये समझें कि ये जो है इक्वेशन किसकी है, पैराबोला की इक्वेशन. जब हाईएस्ट पावर जो है, हाईएस्ट पावर जो है वो कितनी आ रही हो, 2 आ रही हो, तो ये किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की इक्वेशन है. ओके, पैराबोला की इक्वेशन है. तो
पैराबोला की इक्वेशन हम लोग देखने वाले हैं, तो वो इक्वेशंस ये हैं, या तो ऐसा होगा या फिर इस तरह की इक्वेशंस आपने को देखने को मिलेगी के वाई, ठीक है। तो इस तरह से चार तरह से हम लोग बेसिक सिंपल वाला जो पैराबोला है वो हम इस तरह से देख सकते हैं। और भी जो है कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन भी होती है इसकी, थोड़ी सी जो जनरल इक्वेशन जिसको बोलते हैं, वो अभी अपन इसमें नहीं देखने वाले हैं, ठीक है। वाई स्क्वायर इक्वल टू के एक्स दे रखा हो, तो वाई एक्सिस ये है और एक्स एक्सिस इस तरफ है, ठीक है। वाई स्क्वायर इक्वल टू के एक्स, के कोई पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है, के क्या है, पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, के कोई पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट वैल्यू, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू के एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू के एक्स, ये जो ग्राफ ड्रा होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। यहाँ से देखोगे तुम y की वैल्यू कुछ भी रख दो, y की वैल्यू कुछ भी रख दो, x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, क्योंकि y का स्क्वायर, y नेगेटिव हो y पॉजिटिव हो, हमेशा स्क्वायर हो गया तो पॉजिटिव आएगी, y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इसका मतलब ये ग्राफ जो है, ग्राफ जो है इस तरफ ऐसा मुड़ा हुआ होगा, ओके। और इसमें जो है हमेशा नेगेटिव वैल्यू आएगी x की, तो ये जो ग्राफ है वो ग्राफ इस तरह से होगा, ठीक है, ये y और x का ग्राफ होगा, ठीक है। तो ये दो ग्राफ ये हो गए। अब इसमें ध्यान रखना है कि ये ग्राफ किस तरफ ये मुड़ा हुआ होता है। इफ ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ मुड़ा हुआ रहेगा, इफ यहाँ पे इसमें इक्वेशन में नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव की तरफ मुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। और अब नेक्स्ट दो ग्राफ और अपन इनकी बात करें, तो जब एक साथ चारों ग्राफ अपने सामने रहेंगे तो ये जो है तब कंपेयर करना ईजी रहेगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं कि चारों ग्राफ जो है ड्रॉ कर लेते हैं, चारों ग्राफ जो है ड्रॉ कर लेते हैं, दो तो हो गए ये, ठीक, ओके। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन, एक्स स्क्वायर इक्वल टू के वाई दे रखा हूँ, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू के वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू के वाई का ग्राफ कैसा होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू के वाई, और एक ग्राफ होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस के वाई। अब इसमें स्क्वायर किस पे है, एक्स पे है, और वाई की पावर वन है, एक्स की पावर टू है, ठीक है। तो अब इसका जो ग्राफ ड्रा होगा, इसका जो ग्राफ ड्रा होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ओके। तो ये अपनी जो है वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है। तो इसमें x की वैल्यू कुछ भी रखोगे, x की वैल्यू कुछ भी रखोगे, y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, y की वैल्यू पॉजिटिव ऊपर की तरफ होती है, जानते हैं अपन y की वैल्यू यहाँ ऊपर की तरफ क्या होती है, पॉजिटिव होती है। x की वैल्यू कुछ भी, x का स्क्वायर हो गया तो y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, तो ये ग्राफ जो है इस तरह से ऊपर की तरफ होगा। y और x का ग्राफ इसमें देखें, तो इसमें x की वैल्यू कुछ भी रखोगे, y की वैल्यू हमेशा नेगेटिव मिलेगी, क्यों नेगेटिव मिलेगी, इस माइनस के कारण, और x का तो स्क्वायर ही हो गया, ठीक है। तो हमेशा नेगेटिव, y की वैल्यू नेगेटिव किधर होती है, नीचे की तरफ होती है, y की वैल्यू नेगेटिव किधर होती है, नीचे की तरफ होती है। तो इस तरह से जो अपन इसको ध्यान में रख सकते हैं, तो ये नीचे होगा, ओके। तो एक बार मैं फिर से तो जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ, सो दैट ये लर्न करने में ईजी रहेगा। चारों ग्राफ जो है एक बार मैं पास पास ड्रॉ करके फिर जो है इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भाई किस तरह से हम इसको याद भी रखना चाहें तो याद रखना चाहें तो याद रख लें, अदरवाइज जो है समझ सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। समझ जाएंगे तो और अच्छा है, ओके। तो पहली बात तो ये है, पहले तो अपने को ये इक्वेशन तो अपने याद ही रखनी है कि भाई किसकी इक्वेशन, पैराबोला की इक्वेशन किस तरह की है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं, इसके अंदर की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें x की वैल्यू, x बार x क्या होगा बताओ, x को लिखना चाहें तो x क्या लिखा जाएगा, x लिखा जाएगा, मैं एक बार रीराइट कर दूं, y स्क्वायर बाई सम कांस्टेंट करके ऐसा। अब बताओ ये नंबर हमेशा पॉजिटिव होगा, ये नंबर ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव किस तरफ होती है, इस तरफ होती है, तो ये कर्व जो है इस तरफ आएगा, इससे ऐसा, ओके। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, इसमें x बराबर एक सिंगल पावर, इसकी वैल्यू पावर कितनी है, 1, तो 1 पावर वाले के इक्वेट कर दो पूरा, x इक्वल टू यहाँ कितना होगा, y स्क्वायर बाई माइनस के, ठीक है, y स्क्वायर बाई माइनस के, y स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा, k भी पॉजिटिव ही है, तो इसकी वैल्यू जो है, ये नंबर तो पूरा पॉजिटिव है, तो बाहर एक माइनस रह गया, इसके कारण इसकी आंसर क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा। तो x की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी, तो वो किधर होती है, इस तरफ होती है, इसलिए ये इस तरफ मुड़ा हुआ है कब। और इस वाले में देखें तो y इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई के,
अभी हमेशा पॉजिटिव आएगा, जैसे अपना फर्स्ट वाला केस था, तो ये वाई हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, तो वाई पॉजिटिव ऊपर होता है तो ये ऊपर की तरफ ओपन होगा, ठीक है। और इसमें वाई हमेशा क्या आ जाएगा, वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर बाई माइनस के, तो ये नेगेटिव आएगा, तो ये वाई की वैल्यू नीचे की तरफ क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो इस तरह से हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये पैराबोला किस तरफ बनेगा, ओके। और एक जनरल इक्वेशन जो है पैराबोला की इस तरह की होती है, जनरल इक्वेशन जो है पैराबोला की मैं वो भी लिखवा दूं केवल, ठीक है। तो y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये किसकी इक्वेशन है, ये है जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। तो इस वीडियो का पर्पस मेरा केवल जो है बेसिक पैराबोलास का ग्राफ सिखाना था, जो कि ये है, ठीक है। तो इसको भी अपन नेक्स्ट किसी लेक्चर में लेंगे, जनरल पैराबोला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो ये अपन नेक्स्ट किसी लेक्चर में इसको देखेंगे। ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम ओरिजिन एंड मूव्स विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, सबसे पहले तो इसकी वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कितनी है, जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। एंड फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब मान लेते हैं इसको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चल रहा है, तो ओरिजिन का मतलब ये एक्स इक्वल टू जीरो से चलना स्टार्ट करता है, ठीक है। और इसकी एक्सेलरेशन क्या है, कॉन्स्टेंट है, ये एक्सेलरेशन क्या है, कॉन्स्टेंट, ये चीज़ें हमें गिवन है, ठीक है, ओके। अब ड्रॉ क्या करना है, ए टी कर्व, ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम कर्व। तो पहले तो अपन एक्सेलरेशन और टाइम में रिलेशन क्या होगा, सिंस यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है बताओ, कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का ग्राफ कैसा बनता है, कांस्टेंट जब होता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो या जो भी है, कांस्टेंट का ग्राफ कैसा बनता है, इस तरह से, ये एक्सेलरेशन हो गई, इधर टाइम हो गया, तो ये एक्सेलरेशन इसमें क्या है, कांस्टेंट है ना, तो इधर तो बढ़ जाती, इस तरफ होता तो घट जाती, इस तरफ है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। देख सकते हो इस लाइन का लेवल कांस्टेंट है, स्ट्रेट है, एक सेम लेवल पे चल रही है इसकी, ना तो ऊपर बढ़ रही है ना नीचे घट रही है, तो ये जो है ग्राफ किसका हो गया, कांस्टेंट का हो गया। तो आगे से ध्यान रखो कि कांस्टेंट का ग्राफ किस तरह से ड्रॉ होता है। अब बाकी जो वी टी कर्व बनाता है, वी टी कर्व तो वी और टी में रिलेशन लिखो, यहाँ से वी मतलब किसी टाइम टी पे वेलोसिटी, टी टाइम पे वेलोसिटी कैसे लिख सकते हैं अपन, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, पार्ट में सवाल में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, थ्री इक्वेशंस लगा सकते हैं मोशन वाले, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो v u कितना है, जीरो है, एक्सेलरेशन को a मान लेते हैं कांस्टेंट इनटू t, तो v बराबर ए टी आ गया। अब इसका ग्राफ किसका किसका बनाना है, v और t का, तो ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा क्या, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी जो है यहाँ पे जीरो है, इसमें प्लस वाला पार्टर्म कुछ भी नहीं है, राइट। तो ये जो है क्या हो जाएगा, कैसे कैसा ग्राफ हो जाएगा, ग्राफ जो है पासिंग थ्रू ओरिजिन, राइट, कैसा ग्राफ होगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। तो इसका ग्राफ हम लोग बनाएं, तो वी टी का कर्व जो है, वी टी कर्व जो है, वी टी कर्व हो जाएगा अपना, ओके। तो इस तरफ मैंने वी ले लिया, इस तरफ मैंने टी ले लिया, वी टी, तो ये ओरिजिन से पास करने वाला होगा, और इसका स्लोप कितना होगा, इसका स्लोप होगा ए, ये पूछा नहीं है बट अपन ऐसे ही लिख रहे हैं, इस लाइन का स्लोप कितना होगा, ए होगा, जो टी का कोफिशिएंट है, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे तो वी आएगा, और एक्स एक्सिस पे कौन आएगा, टी आएगा, एक्स एक्सिस पे टी आएगा, वाई एक्सिस पे वी आएगा, तो इस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करें नंबर थ्री कर्व, नंबर थ्री, नंबर थ्री में कौन है, एक्स टी कर्व, एक्स वर्सेस टी, एक्स और टी, एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट निकालो पहले, तो पहले तो एक्स और टी में रिलेशन निकालो, तो डिस्प्लेसमेंट एक्स इक्वल टू यू कितना, जीरो है यहाँ पे, हाफ एक्सेलरेशन को ए मान लेते हैं, टाइम टी स्क्वायर होगा। अब इसका ग्राफ कैसा होगा, ये सीखने वाली बात है। अब यहाँ पे हम ग्राफ ड्रॉ किसका कर रहे हैं, पहले तो देखो इसका और इसका ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। और एक्स टी कर्व बनाना है, एक्स टी कर्व बनाना है, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एक्स और टी किस तरह से बनाना बनेगा, ये एक्स टी कर्व जो है ये एक तरफ एक्स ले लिया, एक तरफ टी ले लिया, ठीक है। अब ये क्या पैरा, इसका ग्राफ क्या ये पैराबोलिक होगा, क्या ये ग्राफ अपना जो है पैराबोलिक ग्राफ होगा, देखो तो क्या ये ग्राफ अपना जो है पैराबोलिक ग्राफ होगा,
ठीक है। तो देखें, तो अब इसमें जो जिनकी दो वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, उसमें से एक की पावर कितनी आ रही है, टी स्क्वायर आ रही है। तो ये ग्राफ वैसा हो गया क्या, एक्स इक्वल्स टू सम जैसे ये था वाई स्क्वायर इक्वल्स टू के एक्स टाइप का, एक्स की पावर 1 है, एक्स एक एक ये हो गया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू के। अब यहाँ पे जो है ध्यान रहे, मैंने वाई एक्सिस यहाँ पे, तो वाई एक्सिस पे ये लिखा है और एक्स एक्सिस पे ये, एक्स और टी बोलता है तो उसका जनरल मतलब यही होता है, पहले जो लिखा होता वो ये एक्स टी का भी इस तरह से बना रहे हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है एक्स इधर लिख सकते हो, टी उधर लिख सकते हो, ये भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये कर्व जो है इसकी जगह तो मैं क्या लिख देता हूँ, एक्स किस एक्सिस पे लिखा है हमने, वाई एक्सिस पे, ये तो वाई हो गया। और ये जो भी लिखा हुआ है, जो भी है ए बाई टू, ये सब तो क्या है, कॉन्स्टेंट है। टी स्क्वायर मतलब ये कौन सी एक्सिस है बताओ, एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये कर्व अपना ऐसा बनेगा। अब यहाँ पे देखें तो क्या होगा, देखो वाई की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव। ये तो समझ में आ जाना चाहिए कि ये ग्राफ कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। ये ग्राफ कैसा होगा, पैराबोलिक होगा, ये तो जानते हैं क्योंकि यहाँ स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है, अब वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी बताओ, ऑलवेज पॉजिटिव आएगी कि नहीं आएगी, एक्स स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे, तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव रखो, नहीं नेगेटिव, वाई पॉजिटिव आएगी। वाई पॉजिटिव होता तो ग्राफ कैसा बनता है पैराबोला का बताओ, वाई पॉजिटिव, वाई और एक्स ऐसे बनाते हैं अपन, तो वाई पॉजिटिव, तो वाई पॉजिटिव इस तरफ होता है तो ग्राफ इस तरफ ऐसे बनता है, समझ गए। तो अपना जो है यहाँ पे ग्राफ कैसा बन जाएगा, इस तरह का ग्राफ बनेगा। बस यही है कि वाई की जगह एक्स है और एक्स की जगह यहाँ टी है, तो ये ग्राफ जो है अपना कुछ इस तरह से ऐसा अपवर्ड पैराबोलिक पाथ ग्राफ बनेगा, ओके। और यहाँ से ये वाला पार्ट अपना नहीं रहेगा क्योंकि इसमें इस तरफ जो है टाइम पॉजिटिव है और पीछे की तरफ टाइम की वैल्यू नेगेटिव है, तो टाइम नेगेटिव अपन जानते हैं होता नहीं है। तो ये वाला कर्व अपने को क्या करना होगा, रफ करना होगा, केवल इतना पार्ट ही आएगा, ठीक है। तो इस पार्ट, ये जो पैराबोला पूरा था उसका केवल कितना पार्ट आएगा, इतना पार्ट ही आएगा, क्योंकि तो इसमें जो है टाइम की वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ टाइम 0 है, उसके बाद यहाँ पे देख टाइम एक्सिस है, तो ये पॉजिटिव टाइम है और इधर में क्या होता है, नेगेटिव टाइम है, ठीक है। तो नेगेटिव टाइम होता नहीं है, तो हम लोग पॉजिटिव टाइम में ही केवल ड्रॉ करेंगे, तो इतना सा ग्राफ होगा, ठीक है। तो ये समझ लेना, ये कई जगह पे आने वाली चीज़ है, ओके। ये वाली जो चीज़ है वो कई जगह पे आएगी, तो देखते ही पता चल जाना चाहिए। जैसे स्क्वायर टर्म आ रही है, हाइएस्ट टर्म जो है स्क्वायर आ रही है, तो पैराबोलिक ग्राफ होगा, ठीक है। चलो एक और ग्राफ देखते हैं, तो उससे अपना थोड़ा और कंसेप्ट जो है इसका क्लियर हो जाएगा। वी एक्स कर्व बनाना है, नेक्स्ट जो बनाना है अपने को क्या बनाना है, नंबर फोर इज वी एक्स कर्व, वी एक्स। अब वी और एक्स में रिलेशन किससे निकलेगा, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में, वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी बेसिकली, तो थर्ड फॉर्मूले में वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, देख सकते हैं। वेलोसिटी वी स्क्वायर होगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो हटाओ इसको, इनिशियल वेलोसिटी अपने सवाल में कितनी है, 0। टू एक्सलरेशन ये कांस्टेंट है और डिस्प्लेसमेंट को अपन क्या लिख रहे हैं, यहाँ एक्स से लिख रहे हैं, तो ये ग्राफ हो गया। अब यहाँ फिर से थोड़ा ध्यान से देखें, तो इसमें किस किस के बीच में बना था, वी और वी एक्स के बीच में, तो वी और एक्स में देखें तो वी का स्क्वायर हो रहा है, वी का स्क्वायर हो रहा है, इसका मतलब ये समझ जाओ कि ये ग्राफ जो है वो कैसा होगा, पैराबोलिक होगा, पैराबोलिक होगा, ठीक है। अब वी एक्स कर्व बनाएंगे तो वी एक्स कर्व में अपन वी किस पे रखेंगे, वाई एक्सिस पे, ऐसे बनाएंगे वी एक्स कर्व जो है, वी एक्स कर्व में यहाँ ड्रॉ कर दूँ, ठीक है। तो ये वी एक्स कर्व हो गया, इधर हो गया वी और इधर हो गया एक्स, वी एक्स, ठीक है। अब वो वी एक्स कर्व में देखें, अब किस तरह से बनेगा, ये तो ठीक है पैराबोला बनेगा, ठीक है। इसका ग्राफ तो पैराबोलिक बनेगा, पैराबोला चार तरह, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, नीचे भी बन सकता है, इधर। अब कौन सा पैराबोला बनेगा वही अपने को डिसाइड करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले तो मैं ये बता दूँ, इस इक्वेशन को अपने किस में बदलो, एक्स और वाई में बदलो, अपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाले जो एक्स वाई होते हैं उसमें। अच्छा ये किसको लिखे, ये इसको हमने क्या लिख दें, वाई होगा और ये अपना एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी, तो वी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर हो गया बराबर, टू ए तो कांस्टेंट है, एक्स की जगह तो एक्स ही होगा, तो ये आ गया। अब ये ग्राफ में देखो जिक्स की सिंगल पावर है, एक्स बराबर क्या होगा, वाई स्क्वायर बाई टू है, यहाँ से देखोगे तो एक्स की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, वाई स्क्वायर हो गया, टू ए तो पॉजिटिव ही है,
एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, तो इधर की तरफ पॉजिटिव होता है, इधर की तरफ पॉजिटिव होता है, तो ग्राफ कैसा बनेगा बताऊं? ग्राफ इस तरफ मुड़ा हुआ बनेगा, ठीक है, ग्राफ जो है इस तरफ मुड़ा हुआ बनेगा। ओके, अब इसमें से कौन सा, अब ऐसा भी थोड़ा, जब भी ये बना हो तो इसके बाद ये भी चेक करना है कि कौन सी, क्या ये पूरा ग्राफ बनेगा या केवल हाफ पार्टी बनेगा, इफ ये पूरा पार्ट बनेगा या हाफ पार्टी बनेगा। अपने क्वेश्चन में क्या दे रखा था, अपने क्वेश्चन में क्या दे रखा था बताओ, ठीक है, तो पूरा ग्राफ नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? जैसे अपन देखें, देखो किसी इंस्टेंट की बात करते हैं, देखो इस इंस्टेंट की बात करोगे, इस मोमेंट, इस एक्स पे, इस एक्स पे ये भी वेलोसिटी आ रही है, एक ये वेलोसिटी आ रही है और एक ये वेलोसिटी आ रही है, दो दो वेलोसिटी थोड़ी होगी, एक वेलोसिटी ये भी नेगेटिव में भी आ रही है, पॉजिटिव में भी आ रही है, दो दो तो नहीं होगी, तो कौन सी होगी बताओ। तो पार्टिकल अपना क्या था, यू जीरो था और इधर एक्सेलरेशन थी, तो पार्टिकल इस तरफ चल रहा था, तो इसमें कौन क्या होगा, यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी थी, जीरो, तो एक्स हमेशा क्या आएगा, एक्स तो इधर, ठीक है, तो वेलोसिटी हमेशा इसकी पॉजिटिव आएगी, समझ में आ रही बात। ये सिचुएशन जो है, इस सिचुएशन का अपन ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो दे रखी है, ये जीरो दे रखा है, पोजिशन भी, और एक्सेलरेशन ये दे रखी है, ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव दी नहीं है बट अपन ने मान ली, तो एक्सेलरेशन इधर होगी, तो पार्टिकल इधर जाएगा राइट साइड में, एक्सेलरेशन इधर है तो इधर इस तरफ ही क्या लग रहा होगा, इस पार्टिकल पे फोर्स लगेगा, तो ये पार्टिकल इधर जा रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। तो ये वाली पार्ट जो नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव है, ऊपर वाले पार्ट में वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, इधर में वेलोसिटी पॉजिटिव है, इधर वेलोसिटी नेगेटिव है, वो अपने सवाल में नेगेटिव वेलोसिटी होगी नहीं, आ रही बात समझ में, यहाँ वेलोसिटी नेगेटिव होगी नहीं, वेलोसिटी नेगेटिव होगी, तो ये वाला पार्ट जो है अपने काम का नहीं है, तो ये वाला पार्ट नीचे वाला हटा देंगे, ठीक है, नीचे वाला हटाओ, तो इसके साथ साथ तुम चाहो तो ये सब कुछ हटा सकते, कोई ज़रूरत नहीं है बनाने की, केवल इतना सा पार्ट बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से अपने पास जो है चारों ग्राफ बन गए, इनमें से पहले दो ग्राफ सीधे थे, दूसरे दो ग्राफ थोड़े से अपने को ये पैराबोलिक ग्राफ बनाना आना चाहिए, ठीक है। अब जब हम मैथमेटिक्स में पढ़ लेंगे, मैथमेटिक्स में जो पैराबोला पढ़ लेंगे तो उसके बाद तो ये बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है, मैथमेटिक्स में पैराबोला पर पूरा हम लोग जो है फुल एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तो उसके बाद तो ये ड्रॉ करना वगैरह ये सारी चीज़ें और ईजी हो जाएगी। ओके,